खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। मरीज हैं लगातार उनका इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया है। जी हां, अगर तारीखों की बात करें तो आपको बता दें ये टोटल लॉकडाउन 10 जुलाई से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लगेगा। इसमें अगर बात करें, आपको बता दें, एसेंशियल सर्विस यानी कि मेडिकल शॉप्स, अस्पताल और कहीं ना कहीं जो सेशन सर्विस हैं वो खुली रहेंगी। और अगर बात करें बाज़ारों की, सब्जी मंडी की, स्कूल कॉलेजेस की, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे और किस तरह से यहाँ देखेंगे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में हैं या फिर जिन्हें आवश्यकता ज़्यादा है उन लोगों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है ACP रणविजय सिंह। सर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जो संक्रमण बढ़ रहा है को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किन किन लोगों को अनुमति दी जा रही है जाने? देखिए, कल से हम लोगों ने कल दिन में या उसके पहले भी, जैसे जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से हम लोग लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन क्या है। पहले भी कंप्लीट लॉकडाउन की कंडीशंस थे, लोगों ने उसका कंप्लायंस किया, जो दिशा निर्देश हैं सब है। सबको पता है कि हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हमें बाहर नहीं निकलना है। लोग वही जिसके पास परमिशन होगा, जो पास होगा उसी को हम यहाँ से मूवमेंट के लिए अलाउ करेंगे। और जो हमारे जो शॉप्स वगैरह जिसमें हैं वो सारे शॉप्स बंद रहेंगे, कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज के शॉप्स हैं, जैसे आपको मेडिसिन का शॉप है या डेयरी है, ग्रोसरी है, ये सारे खुले रहेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने बताया। कंटेनमेंट जोन्स के लिए जो रूल्स हैं वो आज भी वही एज इट इज हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। हमारा जो बॉर्डर पॉइंट जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे जो हम लोग लगातार रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ कभी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। बीच में अनलॉकडाउन की कंडीशन में भी हम लोगों ने यहाँ से कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो वो रेगुलेशन आज भी हम कर रहे हैं, आज भी रेगुलेट कर रहे हैं। जो जिसके पास पास है या जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी के लोग हैं, हम केवल उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। सर, एक दर्शकों के लिए एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उनके लिए अलग से पासेस बन रहे हैं या पहले वाले ही चल रहे हैं? पहले का पास उनके पास है, वो पास चल रहा है। अगर उसका एक्सपायर हो गया है तो उनको जहाँ पे हमारे पास जारी करने का जो प्लेस है वहाँ से रिक्वेस्ट करके पुनः पास जारी करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के हिसाब से अपना वो देखें, और हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे रणवीर सिंह को, और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको पास होना ज़रूरी है, तभी उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। और लगातार जो कंटेनमेंट जोन है, जो पहले की गाइडलाइंस हैं, वो अभी भी लागू हैं और पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक। कैमरामैन सुमित मावी के साथ अनिशा दीक्षित, जनतंत्र टीवी।